हेलो दोस्तों, मैं हूँ शाकिर। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बॉक्स को अनबॉक्स पे, जहाँ पर आज मैं आपके लिए लेकर आया एक और नई 43 इंचेस की 4K LED। मैंने 43 इंचेस, 32 इंचेस, 55 इंचेस, 50 इंचेस काफ़ी सारी LED की अनबॉक्सिंग करी है, लेकिन आज मैं आपके लिए जो LED लेकर आया हूँ 43 इंचेस की, यह पहली Google TV है जो इस चैनल पर अनबॉक्सिंग होने वाली है। और Google TV क्या होती है, कैसे यूज़ करते हैं, क्या इसके फीचर है, बिना रिमोट के हम Google TV को कैसे यूज़ करते हैं वॉइस कमांड के थ्रू, इन्हीं काफ़ी सारे फीचर्स के साथ आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ ये डिटेल रिव्यू शेयर करने वाला हूँ, जहाँ पर बताऊँगा कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या फीचर्स है इसके, कैसे मार्केट के अंदर ये आपको मिल जाएगी, कहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हैं, परचेस करना है तो किस प्राइस पॉइंट पर आपको ये मिलेगी, क्या ये आपको लेनी भी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ऐसी काफ़ी सारी बातें जिसका इसी वीडियो के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। सो बात करते हैं सबसे पहले हम इसके लुक एंड डिज़ाइन की, तो कुछ आपको इस तरीके की 43 इंचेस की कम्प्लीटली LED देखने को मिलती है, जहाँ पर 3 साइड आपको बेजलेस देखने को मिलेगा, लेकिन फ्रंट पर आपको यहाँ पे इसकी मेटेलिक डिज़ाइन देखने को मिलती है, जो कि आपको मेटेलिक स्ट्रिप देखने को मिलेगी, जिसके साथ यहाँ पर आपको कम्प्लीटली हायर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको इसके अंदर जो इनबॉक्स के अंदर आपको 2 स्टैंड इसके देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको एक रिमोट देखने को मिलता है, जो कुछ कर्व्स और डिज़ाइन आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इस तरीके का कुछ रिमोट है, रिमोट का भी मैं आपको डिटेल रिव्यू आगे चल के बताने वाला हूँ कि इस रिमोट के अंदर आपको क्या क्या खास देखने को मिलता है। सो दोस्तों, बात करें अगर इसके होम की, तो होम का लेआउट कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर आप अपना गूगल TV सेटअप कर सकते हैं, जीमेल ID लगाई और आप अपना गूगल TV सेटअप कर सकते हैं। उसके साथ आप अपना हैंड फ्री वॉइस जो भी इसके अंदर ऑप्शन आता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें इसके इनपुट पोर्ट्स की, तो इसके अंदर आपको 4 HDMI का सपोर्ट देखने को मिलेगा, साथ ही साथ इसके अंदर आप 2 USB एक साथ यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर आप हेडफोन लगाने का शौक है या फिर आप अपना होम थिएटर यूज़ करना चाहते हैं, आप अपना होम थिएटर भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। साथ ही साथ इसके अंदर आपको RF फीड कनेक्ट करनी है अपने D2H चलाने के लिए, तो आप अपना D2H भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर RF फ्लीट कनेक्ट करके। सो ये थे इसके इनपुट पोर्ट। अगर हम बात करें इसके फ्रंट में जो पोर्ट्स आपको देखने मिलते हैं, फ्रंट के अंदर आपको इसको ऑन ऑफ का यहाँ पे बटन देखने को मिलेगा, साथ ही साथ जो आपका हैंड फ्री वॉइस कंट्रोल है उसका यहाँ पर आपको माइक का ऑप्शन देखने को मिलता है, आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑफ करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑरेंज लाइट का इंडिकेशन देखने को मिलेगा, अगर आप इसको ऑन करते हैं तो व्हाइट लाइट का इंडिकेशन देखने को मिलता है, जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि अपना जो वॉइस कंट्रोल वाला जो माइक है वो ऑन है या ऑफ है। सो ये थे तो इसके पोर्ट्स की बातें। अब हम बात करते हैं इसके फ्रंट की डिज़ाइन की, तो यहाँ पर आपको कम्प्लीटली एक मेटल की डिज़ाइन देखने को मिलती है, जो कि हायर ब्रांडिंग के साथ मिलेगी। और बात करें यहाँ पर आपको डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी विजन दोनों एक साथ देखने को मिल जाएगा। और बात करें अगर इसकी पिक्चर क्वालिटी की, तो इसके अंदर आपको 4K HD पैनल का सपोर्ट देखने को मिलता है, फुल HD का आपको पैनल देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसकी जो ब्राइटनेस आपको देखने को मिलती है 280 निट्स की ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इसका जो कॉन्टैक्ट रेशियो आपको देखने को मिलता है 4000:1 का आपको इसके अंदर सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। पिक्चर टेक्नोलॉजी की बात करें, तो इसके अंदर आपको HDR10 के साथ LG और डॉल्बी विजन का सपोर्ट आपको साथ ही साथ देखने को मिल जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल TV है, तो डॉल्बी विजन काफ़ी अच्छे से इसके अंदर आपको सपोर्ट करेगा। साथ ही आपको इसके अंदर 4K की क्वालिटी के साथ 60 FPS का सपोर्ट देखने को मिलता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 FPS का आपको इसके अंदर सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर आपके कोई भी आप इसके अंदर गेम खेलना चाहते हैं तो आप गेम खेल सकते हैं इसके अंदर, लेकिन इस आपको काफ़ी कम महसूस होगी। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो भी मूव्स हो रहे हैं काफ़ी क्लीन और काफ़ी स्टडी आपको देखने को मिलता है। और बात करें इसकी साउंड क्वालिटी की, तो दोस्तों इसके अंदर आपको डॉल्बी विजन के साथ साथ डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि 20 वॉट्स के आउटपुट के अंदर आपको साउंड क्वालिटी देखने को मिलती है। सो मैं आपको साउंड क्वालिटी सुना के दिखाता हूँ कैसा आपको इसके अंदर साउंड आउटपुट देखने को मिलता है। तो कैसी लगी साउंड क्वालिटी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो दोस्तों, अब बात करें इसके रिमोट की, तो कुछ इस तरीके की आपको कर्वी डिज़ाइन आपको इसके रिमोट की देखने को मिलती है, जहाँ पर आपको कम्प्लीटली फ्रेश एंड नया डिज़ाइन आपको कम्प्लीटली देखने को मिलती है, क्योंकि इस तरीके के रिमोट में दोस्तों मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। आप देख सकते हैं जो कि इसके जो डिज़ाइन है कुछ इस तरीके की डिज़ाइन, ऊपर से प्लस होता है, नीचे से माइनस होता है, और आपको इसको बीच में दे पाएंगे तो ये म्यूट हो जाता है। साथ ही साथ आपके जो इनपुट्स के बटन है वो आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 3 हॉट की देखने को मिलती है, जहाँ पर आपको प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा होम बटन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और मीडिया का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को
मिल जाता है। साथ ही सेटिंग का जो बटन है डायरेक्टली आपको यहाँ पे दे रखा है, अगर आप सेटिंग प्रेस करते हैं, जिस तरीके आप सेटिंग प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्टली सेटिंग के अंदर चले जाते हैं, और वापस से अगर आप यूट्यूब दबाते हैं तो आप यूट्यूब के अंदर पहुंच जाएंगे। सो इस तरीके से आप कुछ यूज़ कर सकते हैं। गूगल असिस्टेंट का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और इसके अलावा आपको यहाँ पे म्यूजिक रिमोट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आप इसको म्यूजिक रिमोट यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको प्रेस कीजिए, इस तरीके से कुछ यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा म्यूजिक रिमोट का, आप तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो ये था दोस्तों इस रिमोट के बारे में कंप्लीट डिटेल जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी है। कर्वी रिमोट है दोस्तों, देखने लुक एंड फील के मामले में काफ़ी अच्छा डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएगी इस रिमोट की। अब हम बात करते हैं इसके डैशबोर्ड की। डैशबोर्ड में आपको क्या क्या ऑप्शन देखने मिलेगा, यहाँ पर आप अपना सेटिंग का ऑप्शन देख सकते हैं। सेटिंग के लिए आपको डायरेक्ट रिमोट में भी ऑप्शन देखने को मिलता है, वहाँ से भी आप डायरेक्ट सेटिंग के अंदर जा सकते हैं। सेटिंग में जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अपना गूगल का साइनअप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपका जो भी चैनल है उसका आप चेक कर सकते हैं। डिस्प्ले का साउंड है, डिस्प्ले पिक्चर क्वालिटी के अंदर आपको यहाँ पर अपना पिक्चर मोड सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ कॉन्ट्रास्ट ब्राइटनेस जो भी आप अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। पिक्चर मोड यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको छात पिक्चर मोड दे रखे हैं, तो आप अपने हिसाब से अपने फील के हिसाब से अपने टाइप के हिसाब से जो भी आप कंटेंट देख रहे हैं वो आप यहाँ पे अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। पिक्चर मोड काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ साउंड के अंदर आपको यहाँ पे डॉल्बी ऑडियो का यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, अगर आप इसको अपने हिसाब से स्पीकर सेट करना चाहते हैं तो वो भी वॉइस अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और बात करें अब इसके अंदर नेटवर्क की, तो यहाँ पर आपको वाईफाई का ऑप्शन देखने को मिलता है और जो ऑलरेडी कनेक्टेड है फिलहाल के लिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके अंदर अकाउंट की, यहाँ पर अपना जीमेल अकाउंट यूज़ करके आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर प्राइवेसी के लिए आपको काफ़ी सारे इसके अंदर जो सोशल एक्सेस होते हैं वो आपको दे रखे। इसके अलावा यहाँ पर आप जितनी भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आप मल्टीपल एप्लीकेशन यूज़ करेंगे तो आप देख सकते हैं, सी ऑल एप्लीकेशन पर करेंगे तो सारी एप्लीकेशन आप अपने यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें इसके सिस्टम की, तो यहाँ पर आपको एक्सेसिबिलिटी के अंदर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अबाउट के अंदर हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको सिस्टम अपडेट देखने को मिलता है, इसके साथ आपको यहाँ पर डिवाइस का नेम मिल जाएगा, यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं। रीसेट के अलावा इसके अंदर आपको एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि 32 GB के स्टोरेज के साथ में आपको देखने को मिलता है, जो कि मैं मानता हूँ काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टोरेज है। स्टोरेज के अंदर आपको 32 GB मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पर टोटल आपको 24 GB का स्पेस खाली मिल जाता है, जहाँ पर आप अपने वीडियोस वगैरह अगर आप सेव करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप मीडिया पर जाते हैं तो यहाँ पर जो भी आप वीडियोस अगर आप अपनी सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। वीडियोस, फोटोज, म्यूजिक जो भी आप सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। फिलहाल इसके अंदर कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पर एम्प्टी रहेगा। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ पावर एनर्जी सेविंग मोड आपको देखने को मिल जाएगा। और बात करें अगर आपका कभी भी LED अगर स्लो हो जाती है तो आप अपना यहाँ से रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो कम्प्लीटली जैसे अगर एंड्रॉइड मोबाइल हम रिस्टार्ट करते हैं तो वो वापस से अच्छे से वर्क करने लग जाता है, तो उसी तरीके से ये LED होती है, तो इनको भी कभी कभी रिस्टार्ट कर लेना चाहिए, जिससे क्या होता है कि जो इसकी रैम और क्लियर काफ़ी अच्छे से हो जाती है और परफॉर्मेंस काफ़ी इन्हेंस हो जाता है। और अब हम बात करें यहाँ पे रिमोट एंड एसेसरीज के अंदर, तो यहाँ पे आप अपना जो रिमोट है इसको कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रिमोट जैसे आप कनेक्ट करेंगे वायरलेसली किधर से भी आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू ये आपको ऑपरेट करता है, तो आपको टीवी के सामने यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी प्राइस रेंज की, तो ये आपको 32 से 34 हज़ार के बीच में मार्केट के अंदर इजीली अवेलेबल हो जाएगी। 43P7GT के नाम से मार्केट के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप अगर इसको जैसे ही परचेस करना चाहते हैं जाके परचेस कर सकते हैं। बात करें इसकी वारंटी की, तो 2 साल की वारंटी आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि हायर का 2023 का सबसे लेटेस्ट मॉडल है, तो इसकी वजह से इसके ऊपर आपको 2 साल की वारंटी देखने को मिल जाएगी। सो दोस्तों ये था इस LED का कंप्लीट डिटेल रिव्यू, जहाँ पर इसके सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। इसके फीचर्स, इसकी प्राइस पॉइंट, हर चीज़ मैं आपके साथ इसको बता चुका हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है आपको कुछ पूछना है तो हमारे कमेंट बॉक्स 24/7 आपके लिए ओपन रहता है, तो वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम आपका रिप्लाई करेगी। सो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी तो मेक श्योर वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर जाइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।